तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुशील देहरादून से, और मैं आज आपको जो है टी मतलब चाय के पेड़ के बारे में बताऊंगा ना, चाय का पेड़ कैसा होता है और कैसे उसमें मतलब आजकल बरसात सीजन है तो चाय के पेड़ बहुत मतलब हरियाली से भरे हुए हैं ना, है ना, क्योंकि संसार जो है तीज की पूजा करता है, तीज में जो होता है खूब बारिश होने की बाद जो है तो ये हमारा चाय का पेड़ है ना, चाय का पेड़ मतलब टी, टी जानते हैं ना इंग्लिश में आप टी गार्डन करते हैं, तो ये टी गार्डन है। अब टी देखो कितने सुंदर पत्ते हैं, इसको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, है ना, तो ये टी है, टी जान रहे हैं आप, चाय जिनसे बनती है हरियाली, ये देहरादून की चाय ऐसे देखो, ये कितना सुंदर पत्ता है ना, ये देखो, अरे बहुत सुंदर है ना ये देखो, कितना कोमल है, कितना सॉफ्ट है ना, बहुत सॉफ्ट है, जब इसकी चाय बनती तो आप क्या है ताज़े हो जाते हैं ना, और नींद भी आती होती है वो भी भाग जाती है, देख रहे हैं हरियाली, आप सोचते हैं कभी कि ये चाय हम पियेंगे हमारी नींद भाग जाएगी, हमारी चुस्ती जो है भाग जाएगी ना। तो ये पेड़ है देखो, बहुत फर्स्ट क्लास है ना ये देखो बहुत, तो ये टी गार्डन है, इसको क्या बोलते हैं टी गार्डन, तो आपने देख लिया होगा कितना अच्छा पेड़ होता है ना टी का, और इसी को जो है चुना जाता है, चुन के इनको जो भी उनका प्रोसीजर होगा ना, सुखाना और केमिकल मिलाना वगैरह जो भी है, ये देख रहे हैं आप बहुत सुंदर, देखो ये टी गार्डन है, इसमें ये देख रहे हैं ये बहुत सुंदर, ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है ना, देख रहे हैं आप ये चीज़ जो है, देखो कितना अच्छा चीज़ है ना, ये जो है ये जो है कीट है, कीट बोलेंगे इसे, है ना, तो ये देखो कैसा कीट है, कितना अच्छा सुंदर सुना रहे है ना, तो ये आप जो है टी गार्डन देख रहे होंगे यार, कितना सुंदर ये, और इसमें देखो बहुत सुंदर, यार मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा, आपको भी मज़ा आ रहा होगा ना, कैसे होते हैं टी, तो टी के बारे टी गार्डन के बारे में, बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता, ये 2-2.5 फुट का होता है, इसकी ऊंचाई जो है 2-2.5 फुट, और ऐसी हरियाली होती है, इसको क्या ऐसे जो चुनने वाले होते हैं वो सहन सफाई करके ऐसे और अपने चुन के वो आगे आपके लिए चाय तैयार करते हैं, तो सुबह सुबह की चाय के लिए जो आप देखते हो तो चाय, कभी आसाम की चाय, कभी टाटा की चाय, तो ऐसे बड़े बड़े बागान होते हैं, टी गार्डन, ये टी के बारे में, इस गार्डन को मैं इस पूरा गार्डन दिखाता हूँ अभी, तो ये तो मैं एक पेड़ दिखा रहा हूँ, मगर इसको मैं बहुत बड़ा आपको दिखाता हूँ, कितना बड़ा गार्डन है देखो ये, तो इसको टी गार्डन बोलते हैं, बहुत सुंदर, देखो पूरे पे एक गार्डन ही गार्डन है, सारे पे चाय के बागान लगे हुए ना, और चाय चाय है यहाँ पे देखो, और बहुत सुंदर ये पेड़ भी देखो, ये बहुत बड़ा पेड़ है, कितना अच्छा लग रहा है ना ये देखो, और इसके बाद जो है ये पूरे पे देखो, पूरे पे चाय चाय है यहाँ पे, ऐसे गार्डन की सेफ्टी के लिए देखो भाई साहब को भी रखा गया है, ये पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं ना ये देखो, लाल पगड़ी मोदी जी का जो है उन्होंने वो डाला हुआ है, देखो टी गार्डन में जो है मोदी जी का इन्होंने दुपट्टा जो है अपने गले में डाला हुआ है ना, देख रहे हैं, तो इस गार्डन की इनकी हिफाजत जो है इनके हाथों में है, तो इस गार्डन में जानवर आते हैं या कोई लोग ऐसे आते हैं जो इस पे इन पे पौधों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके लिए जो है ये इनकी, तो आपको कैसा लगा, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा है ना, तो बहुत सुंदर, आपने आप टी का पेड़ पौधा भी देखा, चाय का पौधा भी देखा, और पूरा गार्डन में हमने आपको दिखाया कितना नेचुरल व्यू है, और इसमें छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं, देख रहे हैं आप ये देखो कितना बड़ा, यार बड़ा आनंदमयी सुखमयी आनंदित नेचुरल जिसको बोलते हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिली, तो धन्यवाद, आपको पसंद आया तो ज़रूर आपको शेयर करें और अगर कमेंट भी करें बताएं, है ना, तो ऐसे ऐसे वीडियो हम बनाते रहते हैं नेचुरल से लेकर हर चीज़ हमारे जो भी हमारे मन में ईश्वर ने डालता है और ईश्वर ने जिस लायक भी हमें बनाया तो हम जो है उस चीज़ को अपना फॉलो करते हैं, और आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, तो ये सारे पेड़ आप देख रहे होंगे छोटे बड़े सारे देखो, तो ये सारा जो है टी गार्डन है ना, तो ऐसे आपने जो है आप भी आपकी प्रतिभा है तो आप भी ऐसी चीज़ों को बना सकते हैं, बहुत सुंदर, अरे थोड़ा देसी घास भी हो रखी है तो इसके साथ बीच में ये पेड़ पौधे भी है, थैंक यू, ओके, डन, बाय।